नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा संघर्ष। मैं सुनील एक बार फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। जैसा कि आप किसान भाई जानते हैं, मैं हर रोज़ एक नई वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ, उसी कड़ी में एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मित्रों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और आपके एक लाइक से जानते ही हैं कि हमारे हौसले डबल हो जाते हैं और हम एक नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हैं। यदि किसी तरह के कोई सवाल हो आपके मन में, या किसी भी प्रकार के भाव आपके मन में उत्पन्न होते हों बकरी पालन से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं मुद्दे पर। ये बकरियाँ दीपक पाल जी की हैं। जैसा कि इसके पहले मैं एक आध वीडियो इनका और आपको दिखाया हूँ। दीपक पाल का एड्रेस है ग्राम धर्मसीपुर, पोस्ट खोरट, जिला मऊ। यह जिला मऊ के रहने वाले हैं। ये लोग परंपरागत ढंग से बकरी पालन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके पास एक भेड़ का मेमना भी है, और इनके पास क्रॉस नस्ल में काफ़ी अच्छी बकरियाँ रखते हैं। और ये लोग टोटली अपने जानवर को चराई पे रखते हैं। ये इनके पिताजी इन बकरियों को चराते हैं, दीपक भाई के, और देखरेख करते हैं। घर पे आने पे ये लोग भी थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये लोग पूर्ण रूप से अपनी बकरियों को चरा के रखते हैं, और सुबह या शाम में थोड़ा बहुत घर से कुछ अनाज वगैरह भी खिलाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है कि काफ़ी ठीक ठाक बकरियां रखते हैं क्रॉस नस्ल में, और इस समय इनके पास कुछ और बकरियां भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाइट वाले के पीछे एक बकरी है जो कि काफ़ी ठीक ठाक है, तोतापरी में है, और यह एक पट है, आप देख सकते हैं, ये भी तोतापरी की क्रॉस है, काफ़ी अच्छी है, ब्लैक एंड वाइट में है। और देख सकते हैं इसके छोटे छोटे बट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये बकरी एक ऐसी जानवर है कि इसे कोई भी बड़ा आदमी, छोटा आदमी, कम पूंजी वाला, बड़ी पूंजी वाले, कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान भाई, कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से कर लेता है, और किसी तरह की कोई उनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। आप जब मन किया स्टार्ट कर लिए, जब मन किया बेच लिए, या इन्हें एक तरह से एनी टाइम मनी बोला जाता है। ये आपके पास हैं तो जब चाहेंगे तब इन्हें बेच के तुरंत पैसा आप खाली कर सकते हैं। तो इसी तरीके की यह बकरी पालन व्यवसाय होता है। देखिए, यह तोतापरी नस्ल की एक काफ़ी शानदार बकरी है, और इसके देख सकते हैं थन बाट लेंथ काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके का बकरी पालन एक व्यवसाय है, जिसे कि आप भी इस व्यवसाय से जुड़ के एक अच्छा मुनाफा कर सकते हैं और एक अच्छा लाभ कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हो, या कोई जानकारी अच्छी लगे, बुरी लगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाइयों, दीपक भाई का मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, खासियत की ये लोग ज़्यादातर क्रॉस नस्ल पे काम अच्छा करते हैं, क्योंकि ये लोग चराई पे रखते हैं जानवरों को। तो जो जानवर चराई पे रहते हैं और थोड़ा राशन वगैरह कम मिलता है, तो उनको क्रॉस नस्ल की बकरियां ही पालने में अच्छा रहता है। देखिए, ये एक वाइट कलर में बकरी है, या जो कि तीन बच्चा देने वाली बकरी है। आप देख सकते हैं, देसी से थोड़ा ऊपर वाली नस्ल है और काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं, अभी बच्चे देने की कगार पे आ गई है,
और आप देख सकते हैं यह तीन बच्चे देती है, थन वगैरह इसके देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा समय है इसमें। तो दोस्तों इसी तरीके की बकरियों का पालन दीपक भाई और दीपक भाई के पिताजी मिलके एक अच्छे से करते हैं, और इसी से अपना ये लोग दैनिक खर्च जो जीवन का होता है इसी से धीरे धीरे चलाते रहते हैं, और अपना एक व्यवसाय भी धीरे धीरे स्थापित कर लिया है ये लोग ने। तो बकरी पालन से ये लोग काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से कर पाते हैं ये लोग। तो दोस्तों बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम जगह में बहुत ही कम खर्च में शुरू किया जाता है। तो इसमें ना ही कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी तरह की कोई भी मतलब इसमें आपको बाध्यता नहीं है। आपके पास अगर थोड़े से पैसे हों तो आप भी एक दो जानवर से स्टार्ट करके आप धीरे धीरे अनुभव ले सकते हैं, या आपको बहुत बड़े पैमाने पे जब करना है तो आप इसे बाकायदा ट्रेनिंग लें, बाकायदा जानकारी ले के स्टार्ट करें। देखिए पिताजी बैठे हैं अलाव के आगे और बकरियों को काटने के लिए बाम्बू सीधा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इस बाम्बू को पिताजी आग के सहारे गर्म करके इसे सीधा करते हैं। ये टेढ़ा होते हैं, जब हरा रहते हैं तो ये टेढ़ा रहते हैं, तो इनको सीधा करने के लिए आग में गर्म किया जाता है और धीरे धीरे उसको सीधा करते हैं ये लोग, और उसी से पत्तियां होतियां पेड़ पौधे काट के बकरियों को ये लोग आसानी से खिलाते हैं जानवरों को। तो इस तरीके की व्यवस्था बकरी को रख रखाव के लिए करनी पड़ती है। तो दोस्तों यह वीडियो आप तक मैंने पहुंचाया, या आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो में अन्य जगह मिला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।